winner, man. Look at him. Let's go, come on. अगर आप लोगों ने कभी स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक वैज्ञानिक कोर्ट कॉर्नर्स था जिसने छिपकली के डीएनए का इस्तेमाल करके दोबारा अपने हाथ को वापस उगा लिया था। लेकिन ये विशेषता छिपकली में ही नहीं बल्कि अन्य जीवों में भी होती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे जीव दिखाऊंगा जो अपने शरीर के अंगों को काटने के बाद पुनः दोबारा उगा लेते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमने अभी नया चैनल शुरू किया है, हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 5 रे कौन सी साधारण भाषा में इसे हम गूंगा भी कहते हैं। अगर आपने कभी गूंगे को देखा होगा तो आपने उसकी अगले वाले सिरे में दो आंखें होती हैं जो बिल्कुल कैमरे की तरह नज़र होती हैं। इसकी खास बात है कि यह अपनी दो आंखों को पुनः रीजनरेट कर सकता है, लेकिन इसका यह नियम सिर्फ इसकी आंखों पर ही लागू होता है। यह नियम इसके बाकी शरीर के अंगों पर लागू नहीं होता है। नंबर 4 पर है सीनिक्स। यह भी छिपकली की एक प्रजाति है और रेप्सेलिया संघ के प्राणी हैं। यह अद्भुत सा दिखने वाला जानवर भी छिपकली की तरह ही अपनी पूंछ को खुद से अलग करने की काबिलियत होती हैं और इसमें भी अपनी पूंछ को पुनः रीजनरेट करने की क्षमता होती है। जब कोई शिकारी जानवर इसके पीछे से हमला करता है तो यह छिपकली अपनी पूंछ को खुद से अलग कर लेती है और सिंगस की पूंछ खुद से अलग होने के बाद भी हिलती-डुलती रहती हैं, जिससे शिकारी जानवर उसमें उलझा रह सके और सिनिक्स शिकारी जानवर से बचकर निकल जाती हैं। इसकी पूंछ को पुनः दोबारा उगने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। नंबर 3 पर स्टार फिश। समुद्र की सबसे ब्यूटीफुल फिश है जिसे हम आम भाषा में सी स्टार भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार किसी तारे की तरह होता है। बाकी लिस्ट के जानवरों की तरह भी इसमें अपने आर्म्स को रीजनरेट करने की क्षमता पाई जाती हैं। कुछ स्टारफिश में तो केवल इसके आर्म्स 5 होते हैं और कुछ बड़े स्टारफिश में इसके आर्म्स की संख्या लगभग 40 तक हो सकती हैं। बेबी स्टारफिश तो अपने सिर पर अपने ही आर्म्स को रीजनरेट कर पाती हैं, लेकिन बड़े सी स्टार में अपने पूरे शरीर को रीजनरेट करने की क्षमता भी पाई जाती हैं। नंबर 2 पर हैं फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स को हम आम भाषा में प्लेनेरिया भी कहते हैं। फ्लैट वर्म्स रेस वाटर में पाए जाते हैं और इसकी खास बात है कि इसके शरीर के टुकड़े करने पर भी यह प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव बना लेता है। इसमें अजीब काबिलियत की वजह से यह काफ़ी ज़्यादा संख्या में अपनी शरीर के टुकड़े को रिप्रोडक्शन करके एक नया फ्लैट वर्म्स बना लेता है। यह अपने शरीर को पुनर्जीवित करने में केवल 7 दिनों का ही समय लेता है। नंबर 4 है एक्सोटर। ये मेक्सिको में पाई जाती हैं। दरअसल यह खेत में छिपकली परंतु वैज्ञानिक इसे मोबाइल फिश भी कहते हैं। यह पानी और जमीन दोनों जगहों पर रह सकती हैं। बाकी जानवरों की तरह भी इसमें रीजनरेट करने की क्षमता पाई जाती हैं, लेकिन यह सबसे हटकर हैं। यह अपने शरीर के एक नहीं बल्कि पूरे शरीर को रीजनरेट कर सकती हैं। यह अपने शरीर के पंख, पैर, आंखें, यहाँ तक कि अपने दिमाग, हार्ट और लीवर को भी रीजनरेट कर सकती हैं। यह जिंदगी भर अपने शरीर को रीजनरेट करती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। हमें कमेंट में बताना कि आपको सबसे अच्छा जानवर कौन सा लगा। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना।